बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल किए कि भैया मेरा 2-2 साल से पेंडिंग में है। आप नहीं मानेंगे, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि 2 साल से पेंडिंग में कैसे हो सकता है भाई। फिर मैंने उन लोगों को बताया सेम प्रोसेस और उनका एप्लीकेशन आज जाकर वेरीफाई हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है? और आपका एप्लीकेशन क्या पेंडिंग फ्रॉम TPBA, पेंडिंग फ्रॉम AM, पेंडिंग फ्रॉम MPA और DPO, BAC, FC के पास पेंडिंग है, या फिर जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम है पूरा, वो हम आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देने जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपका पेंडिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो आपके 1 महीने के अंदर, मैं आपको जादू तो नहीं दिखा दूंगा कि 2 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है, जो फैक्ट है मैं वही बताऊंगा आपको कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप हमारी बात क्यों मानेंगे, आप इस वीडियो को पूरा क्यों देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अभी तक, ठीक है, 6 वीडियोज है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे वीडियोज का, और उन 6 वीडियोज को टोटल 30,000 से भी ज़्यादा व्यू आ चुके हैं और 100% सक्सेस रेट है। जिस लोगों ने भी वीडियो को पूरा देखा है, जो मैंने प्रोसेस बताया है वो लोग फॉलो किए हैं, उनका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है और उनका पैसा भी आया है। तो इस वीडियो में हम उन सभी 6 वीडियोज का, ठीक है, मेन मेन जो पॉइंट था, जो मेजर पॉइंट था, उन सबको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या किन किन तरीकों से आप अपने स्टेटस को जो पेंडिंग दिखाता है उसे अप्रूव करा सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ तक कि मैंने भी अप्लाई किया था 2019 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, और मुझे भी इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, ठीक है, पेंडिंग फ्रॉम TPBA/AM, पेंडिंग फ्रॉम AM, पेंडिंग फ्रॉम MPA, DPO, BSE, FC, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस टाइम पर YouTube पर कोई भी नहीं था और आज के टाइम पर भी कोई नहीं है जो आपको 100% वीडियो में बताएगा कि ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। आप गूगल पर सर्च करके देख लो पेंडिंग फ्रॉम TPBA या फिर TPBA या फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको YouTube पर और गूगल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो और मेरा ब्लॉग आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वजह कुछ ऐसा है कि मैंने जो भी उसमें बताया है, लोग उसको लाइक किए हैं, तब जाके वो सर्च लिस्ट में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया यार, हमें पता ही नहीं चला कि क्या होता है ये TPBA, क्या होता है AM, DPO, BAC, FC, कब अप्रूव होगा, कब क्या होगा, कोई नहीं था बताने वाला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इस काम को स्टार्ट करूँ, आप लोगों को बताना अपने वीडियोज के थ्रू। तो जाके मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक प्लेलिस्ट बनाया मैंने, ताकि हर एक बंदे को उसके नेसेसिटी के अनुसार उसका वीडियो मिले और उसका सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था, जिस ब्लॉग में मैंने इन 3 मेजर पॉइंट को मेंशन किया है, लिखा है डिटेल में कि आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी, कैसे कैसे करना है। तो हम उसको आपको दिखाते हुए बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट फील होगा, ठीक है। अगर आप जाकर उसको भी पढ़ लेते हैं तो आपको लग जाएगा कि हाँ, पूरा वीडियो मैंने वहाँ पर लिख दिया है और कैसे कैसे करना है, पूरा स्टेप वाइज मैंने लिख रखा है उस ब्लॉग में। आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते होंगे तो आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स होता है ना कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है ना, वो अप्लाई करने के बाद पेंडिंग में चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसके पीछे बहुत सारे वजह होते हैं, ठीक है। या तो कॉलेज में जैसे वेरीफाई होता है ना, कॉलेज को वेरीफाई मेल के थ्रू किया जाता है, तो जब वो लोग मेल सेंड करते हैं तो कभी कभी होता है किसी कॉलेज का 2 से ज़्यादा मेल होता है, 3 से ज़्यादा मेल होता है, ठीक है। तो वो लोग एक ही मेल पर सेंड करेंगे ना, क्या पता वो मेल बंद हो, क्या पता नया मेल चालू हो गया हो, इसके वजह से वो पेंडिंग में हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो वजह है ना, वो है TPBA के पास इतना ज़्यादा पेंडिंग में है ना कि वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसका पहले करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं, जो पहला स्टेप है वो है कि आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अपना स्टेटस देखना है। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग फ्रॉम TPBA शो कर रहा है, पेंडिंग फ्रॉम TPBA/AM शो कर रहा है, तो आपको जाना है वेबसाइट पर, एक मैंने लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, अपने ब्लॉग में एक लिंक आपको मिला है। आपको एक फीडबैक एंड ग्रीवियंस नाम का फॉर्म मिलेगा, सुझाव एवं शिकायत नाम का एक फॉर्म मिलेगा, आप उसमें जाइए, फिल कर लीजिए कि आपको फिल करना है कि आपका टेक्निकल इशू है या फिर जो भी आपका इशू है, ठीक है, स्कीम रिलेटेड इशू या फिर टेक्निकल इशू
या फिर DRCC रिलेटेड इशू आप सिलेक्ट कीजिए, अपना वहाँ पर डिटेल डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि आपका एप्लीकेशन इतने दिनों से इस प्रोसेस के पास, इस आदमी के पास पेंडिंग है, या फिर वो TPBA हो, या फिर AM हो, या फिर DPO हो, ठीक है। आप उतना लिखिए और सेंड कर दीजिए। आपको 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर एक कॉल आएगा DRCC की तरफ से, और आपको उनको फिर से बताना होगा कि हाँ सर ये मेरा प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताइए, और फिर आप वेट कीजिए एक सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक, हार्डली 2 सप्ताह, ठीक है। अगर 1 सप्ताह के अंदर आपका वो प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है तो आपको बढ़ना है Step 2 की तरफ। तो देख लेते हैं सबसे पहले Step 2 क्या है। तो Step 2 में फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि आपको TPBA के मेल पर आपको मेल सेंड करना होगा लिखकर पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आपको हम मेल, उन लोगों का नंबर अभी चालू नहीं रहता है, नंबर वो लोग रिसीव भी नहीं करते हैं, आपको हम दे देंगे, ब्लॉग में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, आकर आपको मिल जाएगा Step 2 में सारा का सारा। आपको यहाँ पर ऊपर में मिल जाएगा लिंक फॉर फीडबैक एंड ग्रेवियंस फॉर्म, आप उस पर क्लिक करके जाकर वहाँ पर आपको दिखा देते हैं सिंपल सा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये रहा इसका फॉर्म फीडबैक और ग्रीवियंस का। आपको यहाँ पर नाम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, इशू डालना है। इशू आप देख लीजिए DRCC रिलेटेड आप डाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर टेक्निकल या फिर DRCC रिलेटेड 2 इशू डाल दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपका पेंडिंग फ्रॉम TPBA है तो आपको चूज करना होगा टेक्निकल, और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उससे आपके DRCC का पता चल जाएगा कि कौन सा DRCC है आपका। और यहाँ पर लिख दीजिए कि मेरा इतने दिनों से पेंडिंग में है और मुझे कॉलेज में सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको वेरीफाई कीजिए आप लोग, ठीक है। और हमारा जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको हम बता रहे हैं कि जो पेंडिंग है आपका, ठीक है, तो आपको मेल में लिखना है कि मेरा सेम चीज़ कि सर, थोड़ा सा डिटेल में और तरीके से लिखना है कि सर मेरा पेंडिंग है TPBA के पास, और इंग्लिश में आपको लिख देना है कि ठीक है कितने दिनों से पेंडिंग है, मैंने इस तारीख को अप्लाई किया था, मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है, और मुझे कॉलेज में सख्त ज़रूरत है पैसों की, तो प्लीज़ आप लोग इसे वेरीफाई कीजिए। हम कॉलेज वालों से कॉन्टैक्ट किए थे, वो लोग बोले कि ऐसा कोई मेल नहीं आया है, और सिंपल सा मेल को सेंड कर दीजिए। मेल सेंड करने के बाद अगर वो 7 डेज या फिर मैक्सिमम 14 डेज 14 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं होता है, तो आपको हम सबसे रामबाण इलाज देने जा रहे हैं, सबसे मतलब बेस्ट और बेस्ट तरीका है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वेरीफाई कराने का, तो हम आपको सीधे दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर TPBA ऑफिस पटना का मेल और उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, DRCC का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, अपने DRCC के DPO का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है DPO से रिलेटेड तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होता है वो DPO, ठीक है। और Step 3 आप देख लीजिए, सबसे पहले बता देते हैं कि अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए, उस टीचर का नंबर ले लीजिए जो एप्लीकेशन को अप्रूव कराते हैं, ठीक है, उनका नंबर ले लीजिए, उनको बोलिए कि सर आप वेरीफाई कर लीजिए कोई मेल नहीं गया ना मेरे नाम से लोन के लिए। अगर वो बोल देते हैं कि नहीं आया है तो आप जाइए सीधे पटना DRCC ऑफिस, उसका लिंक आपको, लिंक नहीं एड्रेस आपको हम बता देंगे, ब्लॉग में भी दिया हुआ है उसका एड्रेस, मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स B ब्लॉक, ठीक है, तो आप ब्लॉग से जाकर देख सकते हैं मेरा वो एड्रेस पूरा। और वहाँ पर आप चले जाइए, अकेले जाइए या फिर पेरेंट के साथ जाइए, और वहाँ पर जाने के बाद आप उनको बोलिए कि सर मेरा इतने दिनों से पेंडिंग है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं ना, अगर आपका नया नया एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप 10 दिन के बाद आइए, 20 दिन के बाद आइए, तो आपका कम से कम 1 महीना से पेंडिंग होना चाहिए TPBA के पास, फिर आप जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर बोलिएगा सर आप अभी मेल सेंड कीजिए कॉलेज को, मेरा सर से बात हुआ है, वो अभी वेरीफाई कर देंगे, तो वो लोग तुरंत मेल सेंड कर देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रूफ हैं, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पर, सोशल मीडिया पर मुझे रोज़ मैसेज आते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, और मैं जितने लोगों को ये तरीका बताया हूँ उन सबका अप्रूव्ड हुआ एप्लीकेशन। तो आप लोगों को बताना कि लोग मेल सेंड करेंगे आपके कॉलेज के उस टीचर के पास, और फिर आप उसी वक्त अपने उस टीचर को कॉल कीजिए, बोलिए कि सर आप वेरीफाई कर दीजिए हमारा एप्लीकेशन। अगर वो टीचर उसी वक्त वेरीफाई कर देते हैं आपके मेल को, ठीक है, आपके मेल को या फिर TPBA के द्वारा जो मेल सेंड किया जाएगा उसको, अगर वो उसी वक्त वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये लड़का मेरे कॉलेज का है, आप इससे लोन के लिए अप्रूवल दे दीजिए, ठीक है, तो आपका उसी दिन 24 घंटे के अंदर TPBA पेंडिंग हट जाएगा, वो हो जाएगा अप्रूव्ड बाई DPO का, ठीक है। तो ये पूरा 3 स्टेप प्रोसेस था। अगर आपका कोई भी पेंडिंग है, ज़्यादातर देखिए क्या होता है ना, कभी कभी वहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो पाता है बहुत सारी चीज़ें स्टेटस, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का दिखाएगा कि अप्रूव्ड बाई DPO, लेकिन उनका पता चलेगा रियलिटी कि उनका पेंडिंग फ्रॉम TPBA पर ही अटका हुआ है और स्टेटस को अपडेट कर दिया गया है,
ठीक है। तो अगर आपका 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग में है या स्टेटस हिल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए DRCC को हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट पटना TPBA ऑफिस। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी होता है जो हमारे एप्लीकेशन को कॉलेज में वेरीफाई कराता है कि हाँ ये लड़का आपके कॉलेज का है या फिर नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होती है। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो BSEFC पोर्टल पर सेंड किया जाएगा, ठीक है। BSEFC पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है कुछ, और आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा BSEFC पोर्टल। फ्रेंड्स, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है बहुत ही डिटेल में, मैं नहीं चाहता इतना डिटेल में जाने की वजह, क्योंकि वीडियो लंबा होगा फालतू में, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं हम। आप देखिए यहाँ पर ऊपर में दिया होगा एक क्लिक हियर टू गो टू स्टेट पोर्टल, ठीक है। और एक ऊपर में देखिए आपको दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस। इससे आपको कभी भी एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं करना है, वो फॉल्स बताता है, ठीक है। अगर आप अभी आए हैं अपना वो एप्लीकेशन DRCC में सबमिट करके, तो आप यहाँ से जाकर अपना फॉरगेट पासवर्ड करके अपना कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कीजिए, यहाँ से आप जाकर लॉग इन कर सकते हैं। नीचे में आपको दिख रहा होगा इधर न्यू एप्लीकेंट लॉग इन ईयर, ठीक है। आपको सिंपल सा लॉगिन पर क्लिक करना, अपना ईमेल डालकर, या आप चाहें तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना फॉरगेट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका BSEFC के पास चला जाता है तो आप स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन तब तक नहीं होगा, वहाँ पर इरर आएगा जब तक आपका एप्लीकेशन TPBS से अप्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट पोर्टल पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर आप चेक करते रहना। आपको सिंपल सा एक चीज़ कि आपका सैंक्शन लेटर कब रेडी होता है। जैसे आपका सैंक्शन लेटर रेडी हो जाएगा, उस पर डेट रहता है आपके एग्रीमेंट का, आप एग्रीमेंट कराइए, और एग्रीमेंट के 10 से 15 दिनों के अंदर पैसा आ जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हो जो भी आपके ज़रूरत के लायक हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो इस वीडियो के थ्रू, या फिर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेबसाइट पर प्लीज़ जाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर बताइए कि भाई मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया इस ब्लॉग के थ्रू, ताकि बहुत सारे लोग खोज रहे हैं यार कि कैसे होगा उनका प्रोसेस, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो लोग पढ़ते हैं कि अरे यार सही में किसी का हुआ है, तो वो लोग भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे और सबका होगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी का लोन पैसा जो है वो रुके किसी वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल किए कि भैया मेरा 2-2 साल से पेंडिंग में है। आप नहीं मानेंगे, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि 2 साल से पेंडिंग में कैसे हो सकता है भाई। फिर मैंने उन लोगों को बताया सेम प्रोसेस, और उनका एप्लीकेशन आज जाकर वेरीफाई हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को एक जगह बता दूँ, ताकि आपको बार बार 6 जो वीडियो है ना उन सब में जाकर खोजना नहीं पड़े, ठीक है। और सब्सिक्वेंट पेमेंट से रिलेटेड एक अलग वीडियो है, TPBS से रिलेटेड एक अलग वीडियो है, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया, जो भी प्रोसेस था पेंडिंग वाला, ठीक है। जो भी लेवल था पेंडिंग लेवल, यहाँ पर पेंडिंग लेवल ये, तो आई होप कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। कोई भी डाउट है आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हमारी पुरानी वीडियो जाइए, उनके कमेंट सेक्शन में देखिए कितने लोगों ने बताया कि हाँ भाई थैंक यू, मेरा सबसे यही एक वीडियो मिला यूट्यूब पर जो सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो BI स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे अपडेट हम लाते रहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं यूट्यूब पर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।